हमारे घर की बेटी की जिंदगी का सवाल है, बस इस बार जीजा जी के लिए माफ कर दीजिए। आग इतनी ज्यादा बढ़ा रहा है, ईंटें झेल पाएंगी? मलिक, आग एक हद तक बर्दाश्त होती है, चाहे मिट्टी हो या इंसान, बात एक ही है, पैरों में या हाथों में चोट लगी हो तो उसे भुला सकते हैं, मगर आंखों पर वार किया है उसने। बस ये आखिरी चेतावनी है, इसके बाद अगर कुछ हुआ तो तुम समझोगे। मैं उसे इसके बाद नहीं छोड़ने वाला। जाओ जाओ। ए, सुनिए जरा, जैसे मैं समझाती हूँ समझ नहीं आता, उस दिन अस्पताल से आते हुए क्या कहा था? तुम्हारे साथ रहूंगा, 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाऊंगा, अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। अब कौन सा काम आ पड़ा आपको जो हमसे भी जरूरी है? जाइए, जाकर खाना लेकर आइए। बैठो, मुंह खोलो। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। बचपन में एक बार सपने में मैं खो गई थी, और तब मेरे भैया मुझे ढूंढने आए। मुझे ढूंढकर जब राजा से उन्होंने मुझे मांगा, तब राजा ने देने से इनकार कर दिया। तब मेरे भैया उससे लड़ाई करके मुझे घर वापस ले आए। वापस ले जाते समय उस राजा ने मेरे भैया से एक वादा लिया, पता है वो क्या था? रोज मुझे टाइम पर खाना खाकर सोना होगा। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि जब मैं सोऊंगी तभी तो वो राजा मेरे सपने में आएगा ना, और मेरे लिए इंतजार करेगा। जब जब मैं जिद करती थी, भैया रोज मुझे यही कहानी सुनाया करते थे। ठीक है। मुझे 2 दिन से भैया की बहुत याद आ रही है। एक बार भैया को देखकर आ जाऊं क्या? आप नहीं आएंगे तो भी चलेगा, मैं जाकर मिलाऊंगी उनसे। बोलिए ना, बोलिए ना। ओहो, ऐसा क्या मांग लिया कि आप नाराज हो गए? इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? मैं अपने भैया को देखे बिना ना खाऊंगी और ना ही सोऊंगी।